हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल शहजाद। टेक्निकल शहजाद पे आप न्यू है तो हमारे चैनल टेक्निकल शहजाद को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बहुत खास होने वाली है, और आज की वीडियो में बात करेंगे कि न्यूयॉर्क की स्कॉलरशिप हमारे पास क्या होती है और उनकी हमारे पास कम्प्लीट ट्रिकल हमारे पास क्या है। तो जो न्यूयॉर्क की स्कॉलरशिप्स हैं हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं, और उनके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास आता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि हमने सर्च किया है कि न्यूयॉर्क स्कॉलरशिप्स, ठीक है। हम जस्ट सर्च करेंगे कि स्कॉलरशिप सर्च करेंगे, जैसे ही हम सर्च करेंगे स्कॉलरशिप तो हमारे पास काफ़ी सारे आ जाएंगे, न्यूयॉर्क अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप कनाडा एंड स्कॉलरशिप एंड फंडिंग स्टडी यूके, एंड उसके बाद हम अगर लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ फॉर इंटरनेशनल अगर हम इसको विजिट करें तो हमारे पास आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो हम जैसे इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये है हमारे पास टाइटल, ठीक है। तो ये टाइटल हम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम 10+ स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्कॉलरशिप है 10+ स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए ये स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तो हम इनमें विजिट जाके कर हम अगर आपको बताएं तो इसमें वो टाइम लग जाएगा, अगर आप इनको विजिट करें तो खुद ही आपको पता लग जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। टॉप 10 स्कॉलरशिप्स फॉर स्टडी इन एनी कंट्री ऑफ एनी वेयर, ठीक है। उसके बाद ये इनकी जो लास्ट डेट थी वो है 11 फरवरी 2022, ठीक है। और जो है ये है मतलब सारा कुछ है। उसके बाद आता है कि टॉप 25 फॉरेन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो कि उसकी लास्ट डेट है 11 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी, ठीक है। उसके बाद होता है टॉप 75 इंटरनेशनल स्कॉलरशिप टू वॉच आउट फॉर इन 2022, ठीक है। 2022 में इनकी जो ना 75 इंटरनेशनल जो ना स्कॉलरशिप कौन कौन सी थी। उसके बाद टॉप 15+ यूके स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 2022 एंड 2023। उसके बाद टॉप 25 स्कॉलरशिप, उसके बाद टॉप 10 स्कॉलरशिप इन फ्रांस एंड स्वीडन एंड इन बल्गेरियम, एंड उसके बाद यूरोप, यूरोप में भी आपके पास ये स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम बैक आ जाते हैं, तो बैक आने के बाद जस्ट हमारे पास इस तरह की इसकी इनकी जो वेबसाइट है वो है स्कॉलर डेव, ठीक है। हम बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद हम थोड़ा इनको विजिट कर लेते हैं। जब हम इनको विजिट करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे इन पे इनके आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अबाउट पे जाएंगे, अबाउट पे कॉन्टैक्ट में जाएंगे, उधर से आप इनकी मतलब लिस्ट वगैरह देख सकते हैं एंड साइट मैप वगैरह देख सकते हैं इनका, ठीक है। इसका मतलब स्कॉलरशिप मैप, इनका ये मैप है। उसके बाद अपकमिंग स्कॉलरशिप, ये हमारे पास इनकी अपकमिंग स्कॉलरशिप ये वाली इनको स्कॉलरशिप आ चुकी है, ठीक है। तो जस्ट इनका सिस्टम ये होता है कि सिस्टम ज़बरदस्त इनका सिस्टम है, अगर आप इनको विजिट करें। देखिए लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप अगर आपके पास अवेलेबल हैं एंड मतलब कि सारा कुछ इनके पास अवेलेबल है, आप अगर आप इनको विजिट करें और आप इनको गौर से जो है ना रीड करें, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट हम बैक करते हैं, जो जैसे आप देखें सर्च बाय कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद सर्च बाय डेडलाइन एंड सर्च बाय टारगेट ग्रुप, ठीक है। जैसे मगर इनको अगर आप रीड आउट करें तो उसके बाद आता है लिस्ट्स, अगर आप इनकी लिस्ट रीड करें तो लिस्ट भी में भी आपको बताया जाएगा क्या क्या सीन होता है इनका। उसके बाद आता है टिप्स, अगर इनकी टिप्स आप रीड करें तो इन पर टिप्स भी आपको बताया जाता है कि स्कॉलरशिप लिस्ट इनके पास हमारे पास मिली हुई है आपको, ठीक है। उसके बाद इनकी जो लास्ट अपडेट सिंपल जो मैंने आपको बताया था पहले इस तरह ही, द टेक नोट फॉर एनुअल फॉर स्कॉलरशिप्स एंड डिस्कवर स्कूल स्पेसिफिक एंड डोंट अप्लाई टू एवरी स्कॉलरशिप, ठीक है। And improve your chances in a winning scholarship and tap into the other scholarship resources and ask yourself, I am qualified for a scholarship. In applying a scholarship, it is important to realize certain truths about scholarship as well as the truth about yourself. Am I really qualified for an international scholarship or my qualification enough, ठीक है। तो ये सिस्टम इनका सारा कुछ है, ठीक है। अगर आपको उनको विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा। जब हम होम पे आते हैं तो होम पे हमारे पास कुछ लुक इस तरह का होता है, ठीक है। जब हम बिल्कुल नीचे चले आते हैं तो हमारे पास ये देखें, बाय लेवल ऑफ स्टडी एंड बाय फील्ड ऑफ स्टडी एंड बाय प्लेस ऑफ स्टडी। सबसे पहले हमारे पता है बाय लेवल ऑफ स्टडी क्या है, बैचलर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशर्स एंड उसके बाद फिशरीज एंड अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट एनी फील्ड ऑफ स्टडी एनी कंट्री। उसके बाद है कंपटीशन, कंपटीशन में हमारे पास आता है डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड एशिया हमारे पास काफ़ी सारे। तो ये सारे इनके बाय डेडलाइन एंड इनका मतलब सारा कुछ विजिट कर सकते हैं। बस यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब।